गुड मॉर्निंग बच्चों, कक्षा 8 अंगणित अभ्यास 2B का कल हमने जो है फर्स्ट प्रश्नावली प्रश्न नंबर 1 का बताया। प्रश्न नंबर 2 है आज गुणनखंड में से निम्नलिखित के धनात्मक वर्गमूल हमको ज्ञात करना है। तो पहले हम देखें 625 बटा 1296 है, इसका हमको वर्गमूल निकालना है। तो पहले हम 625 को देखें, 5 के स्थान पर जो है 5 है, यह संख्या 5 से निश्चित ही कटेगी। यदि इकाई के स्थान पर 5 हो या 0 हो तो वह संख्या 5 से विभक्त होती है। तो देखिए 5 से कैसे विभक्त हो रही है, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 25। फिर देख रहे हैं 5 है तो फिर 5 से जो विभक्त हो रहा है, 5 दूनी 10, 5 25 हो गया। फिर 5 25, 5 एकम 5, तो यह 625 बराबर हो गया 5 × 5 × 5 × 5 हो गया। अब देखें 1296, तो 1296 का हम गुणनखंड करें यह 1296 1296 है। फिर से देखिए यह है 1296। अब हम देख रहे हैं इकाई के स्थान पर जो है 6। यदि इकाई के स्थान पर 0 है, 2 है, 4 है, 6 है और 8 है तो वह संख्या निश्चित ही 2 से विभक्त होगी। तो देखिए 2 से कैसे विभक्त हो रही है, 2 × 6 = 12, 2 × 4 = 8, 2 × 8 = 16। अब इकाई के स्थान पर 8 आ गया, इसका मतलब फिर यह 2 से विभक्त हो रहा है, 2 × 3 = 6, 2 × 2 = 4, 2 × 4 = 8। अब इकाई के स्थान पर 4 आ गया, इसका मतलब फिर यह 2 से विभक्त होगा, 2 × 1 = 2, 2 × 6 = 12, 2 × 2 = 4। इकाई के स्थान पर 2 आ गया, इसलिए जो है यह फिर जो है 2 से विभक्त होगा, 2 × 8 = 16, 2 × 1 = 2। लेकिन इकाई के स्थान पर 1 हो गया, इसलिए जो है 2 से विभक्त नहीं होगा। अब देखें इन दोनों संख्याओं की यदि हम जोड़ दिया जाए तो वह 3 से विभक्त हो जाता है, तो वह 3 से जरूर विभक्त होगा। जैसे 81 आया है, 8 81 है तो 8 × 1 बराबर हो गया 9। इसका मतलब कि 9 में हम जो है 9 में जो है हम 3 से विभक्त करेंगे तो 3 × 3 = 9 हो गया, इसलिए यह संख्या 81 जो है 3 से विभक्त हो गई। देखिए कैसे, तीन दूनी 6, 3 × 7 = 21 हो गया। फिर यह 3 से विभक्त होगा, 3 × 9 = 27, 3 × 3 = 9, 3 × 1 = 3। यह 1296 जो है हो गया 2 × 2 = 4, यानी 2 × 2 × 2 × 2, ये 4 हो गए और 4 यह 3 है, 3 × 3 × 3 × 3 × 3, यह हो गया। अब हम जोड़ा बैठाएं, यह हो गया 625 का जो हो गया कड़ी में
पाँच गुणे पाँच। तो पहले इसको हम मिटा दें। यहाँ देखिए तो यह हो गया पचवा, पच्चीस हो गया। और 1296 का हो गया दो गुणे दो गुणे दो गुणे दो गुणे दो, दो दो चार एक फाज हो गया, गुणे तीन गुणे तीन गुणे तीन गुणे तीन, तो दो दो चार हो गया। अब इसका हम जोड़ा ले लें, बराबर हो गया 1200 जो 96 या कड़ीम हो जाएगा, दो गुणे दो गुणे तीन गुणे तीन। अब इसका हो गया दो दून चार, चार तीन बारह, बारह तीन छत्तीस। अब 625 है, बटा 1296 का यह हो गया वर्गमूल, बराबर हो गया 25 बटा 36। ये हमारा आंसर हुआ। यह तीसरा इसमें है, पहले का अनुसार दूसरा है। अब तीसरा जो है कैसे इसको तोड़ेंगे, कैसे बनाएंगे, कैसे हल करेंगे। चार सही 29 बटा 49 है, इसको कहते हैं पूर्णांक, इसको कहते हैं अंश और इसको कहते हैं हर। यह जो है बटा है, बटा का मतलब ही होता है बंटवारा, दो भाग हो गए। तो चार सही 29 बटा 49 हो गया। तो एक नियम होता है, थोड़ा सा देखिए, पूर्णांक गुणे हर धन अंश, ये तोड़ने का नियम है। पूर्णांक हमारा चार है, चार हो गया गुणे है, हर हमारा जो है 49 है, 49 हो गया, यह धन है, अंश जो हमारा 29 है, तो यह हो गया 29। अब गुणा कर दें, 4 9 36 को 6 हो गया, हासिल 3 आ गया, 4 4 16 और 3 19 हो गया। अब धन जो है यह 29 हो गया। अब जोड़ दें तो 9 6 15 हो गया और 9 2 11 1 12 हो गया, हासिल 1 हो गया, 1 1 2 225 हो गया। तो यह हमारा टूट गया 225 बटा 49 हो गया। अन्य इसके बटा भी हम जो है हर लिख सकते हैं, इसको हर फिर यहाँ हर लिख सकते हैं। इस तरह से हम तोड़ते हैं, यह नियम होता है। लेकिन देखिए यदि यह जानकारी प्राप्त हो गई है, चार में जो है हम 49 से गुणा कर देंगे, अन्य पूर्णांक में हर से गुणा कर देंगे और अंश को जोड़ देंगे, तो 404 में 49 हमने गुणा किया, फिर 29 को जोड़ दिया तो आ गया 225, हर हमारा जो है 49 है, तो यह हो गया 49। अब देखिए यह 225 है, तो यह 5 से कट रहा है, नहीं तो हम 3 से काट दें। तो हमने बताया था नियम
कि पूर्णांक को यदि जोड़ा जाए, यदि वह विभक्त हो तो तीन कर सकता है। तो जैसे 225 है तो इसको जोड़ दिया, दो धन पाँच, तो दो दूनी चार और पाँच नौ हो गया। नौ से इसे हम भाग देंगे तो ये विभक्त हो जा रहा है तीन तरीके नौ, इसलिए यह संख्या जो है तीन से कटेगी। देखिए 21 हो गया, तीन पचे 15 हो गया। अब फिर यह तीन से कट रहा है, तीन दूनी छः, तीन पचे 15। अब यह पाँच से कटेगा, पचवा 25 और पाँच एक्कम 5। तो यह हो गया 225 बराबर हो गया 3 × 3 × 5 × 5। अब इसका जो है निकाल दें तो 225 बराबर कड़ी में 3 × 5 बराबर जो हो गया 15। अब देखिए 49 का कैसे निकलेगा, 49 सात एक्कम 7, तो यह हमारा 49 बराबर हो गया 7 × 7। ये जोड़ा इसका हो गया कड़ी में 49 का हो गया 7। तो देखिए कड़ी का मतलब होता है वर्ग होता है, यानी यह वर्गमूल का चिन्ह है आपका, तो यह कड़ी में हमने ले लिया, यानी 49 का वर्गमूल जो हमारा होता है 7। अब देखिए यह हो गया 225 बटा 49 का पूरा वर्गमूल हमारा हो गया यह 15/7 हो गया। अंश देख रहे हैं बड़ा है और हर जो है छोटा है, अंश में हम हर से भाग दे करके इसका छोटा रूप कर लेंगे, यानी 15 में जो है हम 7 से भाग देंगे, तो 7 × 14 हो गया, यह हो गया 5, 5 में से 4 गया 1, तो 1 हमारा जो है शेष गिरा। जो शेष गिरता है वह अंश बनता है, भागफल जो होता है पूर्णांक बनता है, और जिसे भाग देते हैं वह हमारा हर बनता है। तो यह हो गया 2/1/7, यानी यह हो गया 2 हमारा पूर्णांक हो गया, जो शेष गिरा है हमारा अंश हो गया, जिससे हमने भाग दिया वह हमारा हर हो गया, इसलिए यह 2/1/2 हमारा क्या हुआ आंसर है। अब इसी तरह से 2 हिसाब और हैं, कृपया इसे अपने घर पर करिएगा। धन्यवाद।